कहाँ थे तुम? शादी के ना बहुत सारे नुकसान में से ना एक नुकसान ये भी कि आपको दो दो बार जो है चेक पोस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता है। और अभी ना बहुत सारे सवाल के जवाब अम्मा को देके आ रहा हूँ, खुदा का वास्ता बोर मत करना मुझे अपना। और मैं भी तो थकी हुई हूँ ना, पूरा दिन काम किया और फिर अब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे भी पूछो। तुम्हारा अपना मसला खुद देखो। फकर मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम ना बिजनेस को ही सीरियस नहीं ले लो। बड़े अब्बा ने बड़ी मुश्किल से ये बिजनेस जमाया है और ये तुम्हारी सारी आयाशियाँ और हमारी पूरी फैमिली ना इस बिजनेस पर ही डिपेंडेंट है। पता है तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, कजन थी, उसके बाद बेबी बनी, नानी बनने का हक किसने दिया? तो क्योंकि मैं एक साथ ना बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ, तुम्हें भी यही करना चाहिए। एक अच्छे हस्बैंड का रोल निभाओ, एक अच्छे बिजनेसमैन का और एक अच्छे बेटे का भी। इतने सारे रोल ना मुझसे निभाए जाते, सॉरी प्लीज बख्श दे मुझे। मैं भी तो कर ही रही हूँ। महान है, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं माशाल्लाह से। मैं तो एक सदा का डफर हूँ, बिजनेस मेरा अम्मा संभाल रही है, साथ साथ उनके जो है वो चाचू हेल्प कर रहे हैं और पापा हेल्प कर रहे हैं। मुझे तो अलग डे पे भी नहीं आती, चाहता हूँ ऑफिस तो आलू बन के बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं आता। फाकिद तुम ना अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जब तुम पहले दिन स्कूल गए थे तब तुम्हें अलिफ बे ते या ए बी सी डी शुरू से नहीं आती थी। तुमने सीखा है, तुमने मेहनत किया, आहिस्ता आहिस्ता सब आ गया ना तुम्हें, तो बिजनेस के साथ भी यही होगा। सीखा ही नहीं, अहमद के साथ गेमिंग भी सीख रहे हो ना? हाँ बोला क्यों है बना, वो बात मान गया मेरी? सही, कांग्रेचुलेशंस, आप एक टिपिकल बीबी बन गए। सो फनी, सो फनी। तमीज़।